तो हे गाइस, मैं हूं विनीत चौधरी और आप देख रहे हैं बोकू जेम्स यूट्यूब चैनल। सो फिर से हम माइनक्राफ्ट वीडियो लेके आए। आज हम माइनक्राफ्ट में एक सर्कल डबल लेकर हाउस बनाने वाले, मॉडर्न हाउस। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, तो चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले हम पहले बेस बना लेंगे। ये अच्छा जगह दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर हम एक सर्कल वाला बेस बना लेंगे। एक पूरा सर्कल नहीं है, वो आगे से एक थोड़ा सर्कल होगा और एक पीछे से थोड़ा ट्राइंगल, मतलब एक रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये वाला कंसेप्ट है। आगे से थोड़ा सर्कल वाला शेप दे देते हैं और पीछे वाला, पीछे का एक एक साइड, दो साइड राइट एंगल ट्राइंगल में होंगे। फटाफट से वॉल फटाफट से बिल्ड कर लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे हमारे अच्छे वॉल बिल्ड होना चालू हो चुका है। आधी वॉल फटाफट बिल्ड हो चुकी है। यहाँ पे बात करते करते मैंने ज़्यादा ही बिल्ड कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा कट कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि सामने हमें ग्लास लगाना है ना। ज़्यादा थोड़ा सा बिल्ड हो चुका था। देख सकते हो आप, बात करते करते मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बिल्ड कर दिया था आज फास्ट फास्ट के लिए करने में। यहाँ पे मेरी पूरी, मतलब आधा सर्कल कंप्लीट हो चुका है और फटाफट से मुझे ग्लास भी लगाना है फटाफट से स्टार्टिंग में। पहले ग्लास लगाने के पहले पीछे नीचे पूरा बेस कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब बेस में एक वुडन लगा देते हैं, वुडन अच्छा दिखाई देता है ना, बेस में एक अच्छा एक लग्जरी वाइब देता है। हमने पहले एक नीचे पूरा वुडन का ब्लॉक्स लगा देते फटाफट से। एकदम बड़ा हम घर बना रहे हैं। सही भी लग रहा है, कलर वगैरह भी कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। अभी स्टार्टिंग में फटाफट से ग्लास का एक एंट्री गेट है, मतलब एंट्री गेट नहीं है वो, थोड़ा सा एक आगे का स्ट्रक्चर है उसका। ग्लास का वो बना लेते हैं हम, और उसके बाजू में फिर एक स्टेयर्स वगैरह बनाएंगे। देखते हैं अभी फटाफट से, हमारा ये भी बन चुका है ग्लास का एंट्री गेट। यहाँ पे अभी स्टेयर्स बना लेते हैं ऊपर का सेकंड फ्लोर बनाने के लिए। यहाँ पे हमारे स्टेयर्स भी अभी बन चुके हैं। यहाँ पे हमारे स्टेयर्स भी बन के रेडी है। अभी सेकंड फ्लोर का लेंटर डाल देते हैं। तो फटाफट से एक एक ब्लॉक करके हमने पूरा ऊपर का कंप्लीट कर देते हैं फटाफट से। आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गाइस। बहुत टाइम लगा था, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। आगे मैंने एक ग्रास की बॉर्डर की है, थोड़ा सा एक बॉर्डर ग्रीनरी भी अच्छा लगता है। ये ऊपर का सेकेंड फ्लोर का मैंने काम भी चालू कर दिया है फटाफट से। वहाँ ऊपर भी सर्कुलरी एक रूम होगा और उसके आगे भी नीचे ऐसा एक ग्लास का, आगे ग्लास का थीम होगा। यहाँ पे सेम थीम, सिर्फ ऊपर नीचे का बड़ा है, ऊपर का छोटा छोटा आएगा उसके कंपैरिजन में। मस्त दिखाई दे रहा है गाइज अभी तक, और वाइट का थीम अलग ही लगता है गाइज। बहुत ही सही दिखाई दे रहा है, और ऊपर का भी सही दिखाई दे रहा है। ऊपर का और एक स्टेयर्स डालना पड़ेगा, बाद में डालेंगे। अभी नीचे गार्डन वगैरह भी कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा ग्रीनरी अच्छा दिखाई देता है ना सामने। यहाँ पे एक एक रोज़ वगैरह के भी ट्रीज लगा देते हैं फटाफट से, ग्रास और रोज़ के ट्रीज, थोड़ा डेकोरेशन भी अच्छा लगता है ज़रा। और ऊपर भी थोड़ा सा खाली खाली जगह लग रहा है, तो यहाँ पे भी ग्रास के बीम्स बना दिए थोड़े फ्लावर पॉट जैसा कुछ। और यहाँ पे भी बैम्बू ट्रीज लगा देते नीचे। स्टेयर्स के बाजू में एक ऐसा एक वॉल जैसा एक प्रोटेक्शन हो जाएगा वहाँ पे, और फटाफट से यहाँ भी स्टेयर्स बना देते। यहाँ पे भी हमारे स्टेयर्स बनना चालू हो चुके हैं गाइस। और थोड़ा स्टेयर्स बनने के बाद ऊपर एक ट्री बनाएंगे फटाफट से, और थोड़ा अच्छा लगेगा ट्री वगैरह, मतलब ग्रीनरी हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक ग्रीनरी घर के साथ जाता ही बहुत अच्छा लगता है। हमने फटाफट से एक ट्री भी बना दिया है, और सिनेमैटिक व्यू में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है गाइस हमारा घर। ऐसे वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब द बटेक।